जय महाकाल दोस्तों। और अभी मुझे सूचना मिली थी ये चचा गेस्ट हाउस जिलानुपुर, जहाँ पर साफ देखा गया है किचन रूम है, आप देख रहे होंगे इनका। और अभी पानी भी गिर रहा था, तो मैं क्या सोचा थोड़ा पानी कम हो जाए तो मैं आया हूँ यहाँ पर तुरंत। और देखा गया कि शायद काला बता रहे हैं, मगर मैं अभी जहाँ तक से देख रहा हूँ हल्का मुझे दिखा है, तो रेडिश निकल रहा है। मैं इसको आपको पूरा निकाल के दिखाता हूँ। और जिसके समझ मेरे पास फोन आया था सर, आपका नाम? उपेंद्र खरे। उपेंद्र खरे जी सर जो है गेस्ट हाउस में, देखिए बहुत ऐसे जगह में घुस के बैठा है कि हाथ भी नहीं डालता। जगह में घुस के बैठा हुआ है ये वॉशिंग जो है बर्तन धोने वाला, उस जगह में बैठा हुआ है। और ये ऐसे जगह है, मैं हल्का से देखिए आपको दिख रहा हो शायद, क्योंकि इसके अंदर है, जो इसके अंदर घुस के बैठा हुआ है ये। और थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, मैं इसको निकालता हूँ क्योंकि बहुत अंदर में है वो। देख रहे हैं ये रेड स्नेक इसको कहते हैं, बड़ा वाला और बहुत बिग साइज का है। छुपा रहे बहुत माहिर होते हैं ये साहब अपने आप को, मगर एक चीज इनको प्रकृति ने बहुत अच्छा बनाया कि जल्दी काटते नहीं किसी को, 2 महीने में साफ होता है, इसे डरने की जरूरत नहीं होती। और इसे चूहा ही खाने आया था, कुछ नहीं। ये अगर अपने आप को फंसा दिया तो आप चाहे कितने भी कोशिश करिए जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि पकड़ जो होती है इनकी बहुत तेज होती है। इसी को असरिया, इसी को धामन, मुड़ा पछाड़, सुने होंगे आप लोग, इसी को बोला जाता है। भागता बहुत तेज है, पलक झपकते हैं क्या जी? घोड़ा पछाड़ तो बहुत तेज चलता है। हाँ ये भी तेज भागता है सर, यही इसके लिए तेज भागने के आपको दिखाता हूँ स्पीड, थोड़ा सा बाहर आ जाए, क्योंकि देखिए ये भी डरते हैं कि ये हमारे अपनी जान बचाने के लिए कोई भी हो। चलिए बाल लेकर चलता हूँ, और ये आया होगा गिरी से, क्योंकि जंगल एरिया है ये पूरा। ये तो हमको रास्ते में मिला करता कई बार, क्रॉस करता रहता। इनको देखिए, इनका फेवरेट जो खाना है ना चूहा, चूहा और चूहा जरूर यहाँ होंगे, चूहा तो बहुत है। हाँ तो ये चूहा के चक्कर में आया था, मगर आप लोग इसको खाना भी नहीं दिए किचन में लग रहा, तो इसलिए चूचा बैठ गया चौक पे। देखा कौन था आप में से? अच्छा भैया आप देखे थे, चलिए ठीक है, जरूरी है सबसे, क्या आदमी को नहीं पता रहता है, डर बना रहता है कौन सा सांप है कौन सा नहीं, क्योंकि हमारा काम यही है कि आप लोग को इसकी जानकारी दें कि सांप क्या होता है, वेनमस है कि नॉन वेनमस होता है। क्योंकि अभी मैं जहाँ एक जगह रेस्क्यू किया था चकेटी में, देख तो ब्लैक रहा। हाँ ब्लैक दिखता, लोग इसी में समझ जाते हैं, काला बोलते हैं, करिया समझ लेते हैं। अच्छा नहीं करिया, क्योंकि अंधेरे में तो और लोग इसमें डाउट हो जाते हैं, कभी कभी हम खुद हो जाते हैं अंधेरे जगह में जब रहता है तो हम खुद डाउट होते हैं। तो यही अभी चकेटी में एक औरत काटा था, उसके शरीर में पॉइजनस पाया गया डर का है नहीं, ये लोग जैसे डर जाते हैं ना उससे शरीर में पॉइजनस हो जाता है, डर बना रहता है। सर सांप घुस गया तो बुरा लिया ना, डर से आया है, 5 फीट का है। हां यही का स्टाफ वो विवेक नगर से आए भैया, और वो भी आ गए कभी भी आप लोग ज्यादा हो यूट्यूब पे मेरे वीडियो डले रहते हैं, उसमें आप लोग जानकारी पा जाएंगे हर सांप का, कौन सा सांप नॉन वेनमस है कौन सा पॉइजनस है सब उसमें मैं बताता हूं, सीरियस जिससे आप लोग कभी भी दुर्घटना से इस होने से पहले बच सकते हैं। आपको चैनल में बता दूंगा। चलिए ठीक।